प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांजगीर चांपा लोकसभा के शक्ति के जेठा मैदान में विजय शंखनाद सभा को संबोधित करते हुए भाई बहन दादा संगवारी को जय जोहार से भाषण प्रारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा, कोसा कांसा और कंचन की धरती पर आज एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया था, आप सभी ने इसे स्वीकार करते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार बना दी है। फिर से आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूँ। बहुत सारा काम अब भी बाकी है जिसे पूरा करना है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कांग्रेस के लोग हम पर तंज कसते थे। हर चुनाव में हमसे पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा, आए दिन गली मोहल्ले में हमसे पूछा करते थे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के सातवें आसमान के अहंकार ने प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा दिया। वे अपने आप को प्रभु श्री राम से भी बड़ा मानते हैं। ये कुछ करना होता है मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, अगर मोदी आप कहते इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए एक घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए एक घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है? भेजेंगे? ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार ने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे? मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोदपुरी धाम, तुरी धाम, दमाखेड़ा की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर अतूट भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतुनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन कहते हैं। राम नामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद,
कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कमल वालों ने किया है, कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे, हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा, कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के सातवें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठक के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है, माता शबरी का अपमान है कि नहीं है, और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है, छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये